अभी हम जो यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में आ चुके हैं। वेलकम टू की गोम्पा। और बिल्कुल सामने प्रज्वलित जी दीप जो हैं, देखिए आप सामने तीन ज्योत जो हैं यहाँ पर ऊपर और एक नीचे जलाई गई हैं, बहुत ही सुंदर। सामने से आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है। आइए चलते अंदर। जय हो। राइट साइड पे देखिए, जय हो। दोस्तों ये की मॉनेस्ट्री और लामा जी की, श्री दलाई लामा जी की जो है यहाँ पर फोटो लगाई गई है। और यहाँ पर भी देखिए एक लामा जी की फोटो रखी गई है। बाकी यहाँ पर जो मेडिटेशन करने का ये जगह है, स्थान है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर सब लोग मेडिटेशन करते हैं बैठ करके। और देखिए आप, बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो मूर्तियाँ और प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। सबके बारे में लिखा भी गया है यहाँ पर। देखिए जैसे आचार्य खेडू गैलग पलजंग हैं ये, और जो ये जो हैं दोस्तों आचार्य चोखापा हैं, चोखापा, और आचार्य धर्मारी छैन ये हैं। तो देखिए ये एक बच्चे की भी यहाँ पर, ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर की मॉनेस्ट्री की फोटो यहाँ पर रखी गई है। बाकी सब आप देखिए, बहुत ही सुंदर ये मॉनेस्ट्री है। देखिए यहाँ पर जो है ये प्रतिमाएं हैं, बहुत पुरानी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर ये सब। और ये देखिए इनके जो ये रखे हुए हैं ये ग्रंथ होते हैं, जो इतने सारे ग्रंथ यहाँ पर लगाए गए हैं। That time there it was not so much colorful. Actually, the Spiti Valley was not so much popular among the tourists, but now it's more lively and the people comes here. The key is alive. Like I'm from Japan and the Japanese Buddhism almost died. Like it's only the ritual thing, but here it's alive and it's with people, so I love here. Okay. तो देखिए मैं आ चुका हूँ छत पर, और यहाँ पर भी एक मोनेस्ट्री है क्यूडंग करके। आप देखिए बहुत ही सुंदर ये मोनेस्ट्री है। और तो दोस्तों अभी हम की मॉनेस्ट्री से निकल चुके हैं। सुबह के लगभग अभी बजे हैं, मैं बता रहा हूँ 9:28 हुए हैं। आप देखिए सामने राइट साइड पे गांव है, कितना ब्यूटीफुल है। बीच में जो है नदी बहती है और राइट साइड पे जो है गांव है।
सामने देखिए वो देखिए यहाँ से की मोनेस्ट्री आप देखो नजर आ जाएगी। सो फ्रेंड्स सामने आप देखिए वो की मोनेस्ट्री है और ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो की गांव है। तो मैं अभी वहाँ पर रात को मैं रुका था और सुबह मैं मेडिटेशन करके अब मैं जा रहा हूँ काजा, क्योंकि काजा में भी एक्सप्लोर करना है थोड़ा, वो देखना है काजा भी, और उसके बाद कोमे किक्किम लांगजा वगैरह सारा घूमना है आज ही आज में। तो फाइनली आज फटाफट हमें करना पड़ेगा सब कुछ। तो यार लेट्स गो, फिर चलते हैं दोस्तों फटाफट। आपने पूरा की का तो एक्सप्लोर कर लिया है। सो गाइस ये देखो कौन है, ये वो बंदे हैं जो हमें छोड़ के भाग गए थे कल। हम कोई छोड़ के नहीं गए। आप क्या आंखें बंद करके चलाते हो क्या? आपको गेट नहीं दिखाई इतना बड़ा कुप्पर किप्पर का? वो जो आप जहाँ रुके थे। मैं जहाँ रुका था, क्यों रुका था? वाय और फिर उसके बाद में आया भी नहीं पीछे, क्यों लगा ब्लॉग बना रहा हूं? अरे नहीं बाबा, अरे मेरी बात समझो यार। पता है क्या हुआ क्या, मैंने वो गेट देख करके मेरे को पता था ये जा रहा चीचम, ठीक है, तो मैंने वहाँ बाइक रोक लिया। अच्छा उसके बाद में तुम्हें ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ तो तुम यूँ हाथ हिला रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हो भाई साहब। वो यार मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं यार, वीडियो ले रहे हैं। मैं आवाजें लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई वापस आओ, तुम लोग हाथ हिला रहे हो, जा रहे हम तो काजा ही रुकेंगे आज। तो फाइनली गाइस भाई लोग मिल गए यार, सच में मतलब अल्टीमेट बहुत अच्छा लगा यार सच में। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो यार सबसे पहले भाई बताएंगे अब क्या एक्सपीरियंस रहा भाई आपका चंद्रताल का और ओवरऑल सारा राइड का? बहुत चंद्रताल तो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह थी, मतलब पहली बार है हम लोग के लिए तो राइड थोड़ा ऐसे मतलब टायरिंग डिफिकल्ट लग रहा था, बट चंद्रताल देखने के बाद सारा कंप्लीटली वर्थ इट। ओह वाओ, बहुत मजा आ गया। गुड, बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, जरूर विजिट कीजिए एक बार। सबसे सही मजा तो वो था कि मतलब जितना ऑफ रोडिंग किया उसमें बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जो लास्ट में सब छह लोगों ने साथ में अच्छी रोड पे गाड़ी चलाई है, दैट वाज बहुत। ओ वाओ सब यार, ये बताओ कि वाटर क्रॉसिंग कैसा था? मतलब सही में यार, मतलब ये बताओ कि वाटर क्रॉसिंग कैसा था और किस किस की बाइक स्टक हुई वाटर में? मेरी थोड़ी सी हुई थी पहली बार में, ठीक है निकल गई उसके बाद, भैया ने हेल्प की थी मेरी। तो भाई देखो मेरी बाइक ना स्टक हुई थी भाई, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब सारे वाटर क्रॉसिंग करता बढ़िया से क्रॉस किया मैंने, बट वो लास्ट वाला जो था ना यार वो गलत एक मैंने टर्न ले लिया, तो वो गलत टर्न से क्या है पूरा व्हील जो है ना रियर व्हील मतलब वो पूरा स्किट कर गया वहाँ पर यार, पूरा नीचे धस गया था, तो थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ा।